जब गोधरा में जब दंगा हुआ था, जब ट्रेन में आग लगी थी, तो यही रेल मंत्री थे उस समय, ये क्या बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री जी आगे निकलिए, देश आपको पुकार रहा है। कौन से सेक्युलरिज्म का? गोधरा इतना बड़ा हादसा हुआ, एक बात भी उन्होंने नहीं बोला सेक्युलरिज्म को लेकर के, हादसे को लेकर के। तो कौन सी बात ये सेक्युलरिज्म कर रहे हैं? जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद ढोड़ा, जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, भाई भाई को लड़ाने का काम किया, जो भाईचारा भंग करने का काम किए, आज उनके साथ ही बैठ गए हैं। हे राम से, हे राम से, जय श्री राम में पलटी मार गए हैं। तो ये जवाब कुछ दिन पहले किस बात की श्रद्धांजलि महात्मा गांधी जी को? हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इन्होंने 4 साल बिहार का बर्बाद करने का काम किया, विकास का बर्बाद करने का काम किया बिहार का। 4 साल, 4 सरकारें और मुख्यमंत्री केवल नीतीश कुमार जी, ये तो कुर्सी प्रेम है। 4 साल रहा, इसका वजह कौन था भाई? जिम्मेदार कौन था? क्या बीजेपी इसकी जिम्मेदार थी? 4 बार जो सरकार बना 4 साल में, क्या मांझी जी इसके जिम्मेदार थे? कि आरजेडी इसका जिम्मेदार था या नीतीश कुमार जी जिम्मेदार थे? इनका मतलब 4 बार आत्मा जो है, अंतरात्मा सोया और जागा। कौन सा अंतरात्मा? इनको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी प्रेम है, इनको बिहार के विकास की चिंता नहीं है। जितने मंडल के लोग थे, एकजुट के साथ लालू जी के साथ खड़े थे। और जब एकजुटता, जब मास लीडर असली लालू जी हैं, उनके साथ असली में मास था। हम 2 उदाहरण देना चाहेंगे। एक उदाहरण, जब पूरा सामाजिक न्याय के और मंडल कमीशन की बात चल रही थी, जब पिछड़े अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति की आवाज को उठाया जा रहा था, उनके अधिकार की जब लड़ाई की जा रही थी, तो यही नीतीश कुमार जी है, उस मास को चीट कर करके समता पार्टी गठन कर करके भाग गए सामंतियों के साथ कमांड। कौन से सेक्युलरिज्म का? गोधरा इतना बड़ा हादसा हुआ, एक बात भी उन्होंने नहीं बोला सेक्युलरिज्म को लेकर के, हादसे को लेकर के। तो कौन सी बात ये सेक्युलरिज्म कर रहे हैं? जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद ढोड़ा, जिन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, भाई भाई को लड़ाने का काम किया, जो भाईचारा भंग करने का काम किए, आज उनके साथ ही बैठ गए हैं। हे राम से, हे राम से, जय श्री राम में पलटी मार गए हैं। तो ये जवाब कुछ दिन पहले किस बात की श्रद्धांजलि महात्मा गांधी जी को? सवा चंपारण का सत्याग्रह मना रहे, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, यहाँ गांधी के जितने भी गांधीवादी लोग थे, विचारक लोग थे, सबको आपने बुलाया, क्या क्या आपने भाषण किया, और आज उन्हीं लोगों के साथ चले गए जिनके खिलाफ में आपने भाषण करने का काम किया। घटना हुई है, सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री जी कुछ बोलेंगे, और जिस दिन हम असेंबली में हम बोल रहे थे, तो उस दिन लाइव जो टेलीकास्ट होता है वो विधानसभा से काट दिया गया। क्यों? विरोधियों की बात, पूरी देश की जनता ये जानना चाह रही थी कि उस दिन बिहार विधानसभा में क्या हो रहा है। आखिर क्यों जो लाइव टेलीकास्ट जब भी हमेशा होता रहा है, इस बात पर उन्होंने लाइव टेलीकास्ट जो ब्रॉडकास्टिंग होना था वो क्यों काटने का काम किया? हमारे आवाज को क्यों वो जनता तक पहुंचाने नहीं दे रहे? पहले तो कहते थे क्लेरिफाई कीजिए, जनता के बीच जाइए। हमने तो ये भी कहा था कि हम जनता के बीच जाएंगे, लेकिन जब हम हाउस में बोल रहे थे, जब सारी बातें कर रहे थे इस मुद्दे पर, तो हमारी बात को लाइव ब्रॉडकास्टिंग से क्यों काटा गया? ये मुख्यमंत्री जी को जवाब देना पड़ेगा। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका जवाब हम मांगना चाहेंगे और हकीकत बताना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? और माननीय मुख्यमंत्री जी का आप लोगों ने पीछे देखा होगा, उसमें उन्होंने कहा था कि बड़ा क्रिटिसाइज हो रहा है, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग जो हैं मेरे खिलाफ लिखने का काम कर रहे हैं, और ये जो क्रिटिसिज्म है ये कुछ दिन हमको सुनना पड़ेगा। गलत फहमी में मत रहिएगा मुख्यमंत्री जी, अगर आप सुन रहे हो तो, ये जो आपने जो भूल की है, जो पाप किया है, ये क्रिटिसिज्म आपको जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। बिहार की जनता हमेशा आपको कोसने का काम करेगी। सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता में मानने वाले लोग, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों ने जो वोट देने का काम किया, जिसकी आपने वोट की डकैती करने का काम किया, ये सवाल आपसे जिंदगी भर बिहार की जनता, नौजवान और देश के लोग आपसे पूछने का काम करेंगे, और आपको जिंदगी भर इन सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .NIMS UNI पर हमें लाइक कर सकते हैं।